शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब बेटा, गीत का फोन आया था, वो बता रही है कि तुम पूजा में नहीं जा रहे। पापा, मेरे को सब स्टोर्स का मंथली कलेक्शन अपडेट लेने जाना है, बहुत काम है, कैसे जाऊं? हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारे लिए काम सबसे पहले है, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी में एक लड़की है, गीता, तो उसे भी टाइम देना पड़ेगा। गीत है ना, बहुत अच्छी लड़की है और उसके परिवार को लड़की वालों ने बड़े प्रेम से इनवाइट किया है, तो उसकी भावना की कदर करनी चाहिए, समझे? जाओ पूजा में जाओ। तो हम भी तो कब से इसको यही समझा रहे हैं अंकल कि इसको पूजा में जाना चाहिए, वहां इसको आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हारे लिए तो सही है ना, गीत को भी अच्छा लगेगा, गीत को लगेगा कि तुमने उसकी बात मान ली। क्यों अंकल जी? ठीक है, तो तुम्हें पूजा में जाना है। अब तक फूलों की माला नहीं लगाई, कितना काम बाकी है, मेहमान आते होंगे, कर क्या रहे हो तुम? जल्दी करो। समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है, पंडित जी अभी आते होंगे। उफ, कितना काम करती हो तुम, सारा काम अकेला करती हो, मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा, हमारा घर है, पूरा घर अकेले संभाल सकते हैं हम, मानना पड़ेगा। ये नारियल आ गया, चावल आ गए, फूल आ गए, कुमकुम नहीं आया अब तक, देखा मैंने कहा था ना इसलिए आप लोगों पे कोई काम नहीं छोड़ती मैं, कुमकुम नहीं आया अब तक। अरे अरे सफल किया, हम इसीलिए कहते हैं कि सारा काम अकेले मत किया करो, लेकिन तुम हमारी सुनती कहाँ हो। अच्छा एक काम करो, वो आशी को बुला लो, वो सब संभाल लेगी। अब ये मत कहना कि हम हर वक्त आशी आशी करते रहते हैं, भाई क्या है कि आशी सब कुछ अच्छे से संभालती है, देख लेना वो सब संभाल लेगी। हाँ हो जाएगा ठीक, सब ठीक हो ना हो, आपसे हमने 10,000 बार बोला है, हमारी बेटी की शादी के शुभ अवसर पर हम नहीं चाहते कि उसका साया पड़े। आइए आइए, आप सबका स्वागत है, आप ही का इंतजार हो रहा था। अरे अरे अरे, बस 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 बेटा, खुश रहो खुश रहो। नमस्ते नमस्ते। आप दोनों की जोड़ी देखकर तो दिल एकदम खुश हो गया, राम मिलाई जोड़ी है भाई। माना कि आप दोनों एक दूसरे को बिफोरिंग से जानती हैं, लेकिन आई ने बनाई है ये वाली जोड़ी तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कामिनी जी आप ही की वजह से बनी है। अरे आप सब खड़े क्यों हैं? आइए ना। पंडित जी पूजा की विधि शुरू कीजिए। अमृता, अमित जी नहीं दिखाई दे रहे? माँ ने कहा था ना मैं दुल्हन बनने वाली हूँ और तुम्हारा साया भी मेरी शादी पर नहीं पड़ना चाहिए। आशी। जी बाबा। बेटा हम जानते हैं कि तुम पूजा में शामिल होना चाहती हो, हमने तुम्हारी काकी से बात भी की, लेकिन तुम तो अपनी काकी को जानती हो ना, वो जरा भी टस से मस नहीं होती। बाबा हम जानते हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम सच में बहुत खुश हैं, विद्या दी की शादी हो रही है, उनकी खुशी में हमारी खुशी। हाँ बेटा, भले ही तेरी काकी ना चाहे, लेकिन हम चाहते हैं कि तू इस शादी में शामिल हो और तू होगी शामिल। देख हमने क्या किया है, जो हमारे घर का एडमिन है ना, हमने तेरे लैपटॉप के साथ उसको अटैच कर दिया, अब तू घर के सारे सीसीटीवी के फुटेज अपने लैपटॉप में देख सकती है, हम उसको कोड वर्ड बता देंगे तेरे को, ये देखिए ये ऐसे करके ये। बाबा आपने तो बड़ा सही रास्ता निकाला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि तू अपनी बड़ी बहन की शादी में शामिल हो, उसे अपना आशीर्वाद दे, क्योंकि तेरी बड़ी बहन को तेरे आशीर्वाद की बहुत जरूरत है बेटा।
इसकी चिकनी चुपड़ी बातों से फुर्सत मिल गई हो तो चले, पूजा में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो। हमारे पापा दी बेस्ट है। माफ कीजिए पंडित जी। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। पंडित जी ये पूजा हमने हमारी बेटी और होने वाले दामाद की शादी की खुशी में रखवाई है। आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इनकी शादी में कोई बाधा ना आए, ये दोनों जिंदगी भर साथ रहे और इनकी शादी अच्छे से निप जाए। ओम अग्नि देवताभ्यो नमो नमः। अब आप लड़का लड़की को टीका लगाइए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थले कौस्तुभम। क्या हो रहा है मुझे? कुछ भी सोच रहा हूं, जहां देखूं वहां आशी ही आशी दिख रही है। हेलो, अरे तुम यहां सामान क्यों लाए? शोरूम में जाना था ना, तो कहाँ आ गए घर तक? अच्छा हम बाहर आते हैं, आओ गेट पे आओ। आते हैं। अरे सिद्ध बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर पूजा में बैठो ना। अंकल वो एक अर्जेंट कॉल आने वाला है, बस उसी का वेट कर रहा हूँ, वो होते ही जाता हूँ मैं। हाँ ठीक है जल्दी करो और अंदर पूजा में आ जाओ। जी। आहा। अरे ये सामान लेके शोरूम में जाना था, मेरे घर पे क्यों आ गए? यहाँ पूजा चल रही है। सर एक बार सारा सामान चेक कर लीजिए फिर शोरूम में रख देते हैं। देखो ये पूरी लिस्ट है। हाँ सर। ठीक है चेक करो। सहितम नमामि। अब वो अक्षत वहां पर छोड़ दीजिए और अब लड़का लड़की दोनों हवन कुंड में आहुति कीजिए। ओम ब्रह्माय स्वाहा।
रानी मेरी मदद करना। जय श्री राम। आशी, आशी, बाबा। आशी, आशी। बाबा, आशी। देवी। आशी, आशी। बाबा। आशी। अब प्लीज इसे संभालिए भाई। हाँ हाँ हाँ। आशी, बेटा तू ठीक है ना? दीदी कपड़ लेके आ, जल्दी जल्दी कपड़ लेके आ। बेटा ध्यान से। बेटा सिद्ध उठा इसे, उठा शाबाश। आज तक हम आशी को संभालते थे, आज किसी और ने आकर हमारी आशी को संभाला है। हे राम जी, हमारी आशी को कोई ऐसा ही साथी मिले जो हर कदम उसके साथ चले, हर मुसीबत में उसकी ढाल बने। राम जी, होगा ना कोई ऐसा जो अपनी आशी की किस्मत में लिखा होगा? किसी एक को तो आपने भी आशी के लिए चुना ही होगा ना, जो हमारी टूटी हुई आशी को जोड़ सके, उसे खुश रख सके। ध्यान से बेटा। आशी, 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 आशी उठो। आशी, कोई पानी ले, पानी दो। हाँ, पानी दो, पानी दो। आशी, आशी उठो। आशी,
थैंक गॉड हम दोनों बच गए। आशी बेटा, आशी आंखें खोल बेटा। हैशटैग माय लकी डे, हैशटैग फायर से बच गए। ये लड़की तुम्हारे घर के अंदर थी? मैंने तो कभी नहीं देखा है सर। कौन है ये? अब एक सेकंड, मुझे इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। आशी, अरे ये तो आशी के बारे में पूछ रहे। नहीं चाहते जब लड़के वाले घर आए तुम अपनी शक्ल उन्हें दिखाओ। काकी, काकी अब ठीक तो है ना? कौन हो बेटा तुम? बोलो कौन हो? हे, सॉरी सॉरी। ये तो वही लड़की है। अमृता, कौन है ये लड़की जिसने अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारी जान बचाई? अमृता जी बोलिए ना, कौन है लड़की? आप ऐसे चुप क्यों हैं? बोलो ना अमृता, चुप क्यों हो? ये आशी हमारे गांव से है। अब यहां रहती है हमारे साथ, हमारे घर में। अमृता, तुम ठीक हो ना? आपको क्या परवाह है हमारी? जिए या मरे, आपको आपको क्या? आपको सिर्फ उस आशी से प्यार है और किसी की कोई परवाह नहीं है आपको। मत पूछिए, ये छोटी तसल्ली मत दिखाइए। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या हुआ, क्या बताओ ना। हमने आपसे साफ साफ कहा था उसको हमारी बेटी की शादी से दूर रखिए। हम नहीं चाहते कि उसका साया भी हमारी बेटी की शादी पर पड़े। और आपने क्या किया? आपने हमारी एक नहीं सुनी। वो आशी जो बोलती है बस वही करते हैं आप, और किसी की ना सुनते हैं, ना किसी की कोई बात समझते हैं। ना देख लिया ना, उसका साया हमारी बेटी की शादी पर पड़ा और सब अनर्थ हो गया। अमृता, तुम क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो? और क्यों पड़ी रहती हो? आज क्या हुआ देखा ना आपने? सच्चाई हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। क्योंकि तुम चाहती हो कि वो शादी से दूर रहे। तुम ये चाहती हो कि वो किसी के सामने ना आए, और तुम्हें लोगों के सवालों का जवाब ना देना पड़े कि आशी कौन है ना? तुम क्यों सबसे छुपाना चाहती हो? क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि वो हमारी बहू है। हम नहीं चाहते कि लोग हमारे बारे में राय बनाए कि हमने हमारी जिद की वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की। और जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं की है, उसने हमारी जिंदगी बर्बाद की है। हम जानते हैं कि तुम उसे पसंद नहीं करती, वो तुम्हें एक आंख नहीं भाती, लेकिन तुम भी इंसान हो ना, थोड़ी अपनी इंसानियत दिखा दो। अपनी नफरत को साइड में रखकर एक बार सोचो कि आज उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। उसने आग में कूदने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अरे वो लड़की क्या कुछ नहीं करती तुम्हारे लिए। और हाँ, अगर आज आशी तुम्हें नहीं बचाती ना,
तो तुम यूं हमारे सामने सही सलामत नहीं होती, समझी? कतई से विकास सिद्ध, वहाँ पे सब ठीक है ना? हम विद्या का स्टेटस देखे, वहाँ पे आग लगी थी क्या? हाँ, लेकिन सब ठीक है। तुम अपना ध्यान रखना। और आशी, आशी ठीक है ना? तो देखे हम वीडियो में कि तुम आशी को बचाने के लिए कैसे अपनी जान पे खेल गए। पता है सिद्ध, हमको एकदम मूवी का सीन लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि एक हीरो अपनी हीरोइन को बचाने के लिए कैसे आग में कूद गया। विकास, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है ठीक है, ध्यान रखना अपना। तुम यहाँ? तुम ठीक तो हो ना सिद? हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसे किसी गैर के लिए आग में कूदने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मेरा मतलब है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो गीत का क्या होता? याद है ना, हमारी शादी होने वाली है। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी पर मेरा भी हक है। तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए ना। गीत, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट कॉल करने हैं, मैं आता हूँ। तुम अंदर जाओ। से किसी गैर के लिए आग में कूदने की क्या जरूरत थी तुम्हें? याद है ना, हमारी शादी होने वाली है। सिद्ध, बेटा थैंक यू सो मच। तुमने आज अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारी आशी की जान बचाई। उसके लिए हम जितनी बार भी थैंक्स बोले ना, कम है बेटा। आप भी तो आग में कूदे थे, आपने भी तो अपनी जान जोखिम में डाली। हाँ बेटा, क्या है कि जिससे दिल का रिश्ता होता है ना, उसके लिए एक बार तो क्या, हजार बार भी अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। और हाँ, अगर कभी नौबत आए तो आप अपनी जान दे भी सकते हैं। आप दिल के रिश्ते के लिए कूदे, मैं इंसानियत के। ये मैं ऑइंटमेंट लाया था, हमारा हाथ जल गया ना, देखो। नहीं नहीं अंकल, रहने दीजिए। जिंदगी तो ना जाने कितने बड़े बड़े पंचेस देती है, इतनी जल्दी कोई नॉकआउट नहीं होता। देखा, मुझे नहीं खेलना ये खेल। अच्छा बेटा, एक पंच लगा तो खेल बंद। बच्चे जिंदगी पता नहीं कितने बड़े बड़े पंच मारते हैं लाइफ में, ऐसे कोई नॉकआउट थोड़ी होता है। आप ठीक तो अंकल? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी इस बात ने मुझे किसी मेरे अपने की याद दिला दी, मेरा बेटा। आपका बेटा भी बॉक्सिंग करता है? करता था, अब वो नहीं है। ये रख बेटा, ये लगा लेना। अंकल, अमृता? हाँ हाँ रोहिणी, हम बिल्कुल ठीक है। अब विद्या नकुल, यहाँ आओ हमारे साथ। पंडित जी, आप इन दोनों की नजर उतार दीजिए। वैसे तो इन दोनों का रिश्ता पक्का हुआ इसलिए पूजा रखवाई थी हमने, लेकिन अब देखिए इतना बड़ा हादसा हो गया। ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा शुभ संकेत है भगवान का। ऐसी आग लगी और किसी को कोई चोट नहीं पहुंचा। कहते हैं जब कोई बड़ा हादसा होता है और किसी को कोई हानि नहीं पहुंचती है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है।
इसका मतलब कोई बहुत बड़ा ग्रह टल गया। अब आप ये प्रसाद सब में बंटवा दीजिए। नहीं, हमें दीजिए। हमें दीजिए, हम दोनों मिलके बैठते हैं। मैं ये नहीं खा सकती, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, पिंपल्स आ जाएंगे मेरी स्किन पर, मैं नहीं खा सकती। चुपचाप खा लो विद्या दी, प्रसाद को मना नहीं करते। लो थोड़ा सा। थैंक्स। जाके सेट को दे दे। ओ, पूजा की फोटोज विद्या ने सबको भेजे, मुझे भी टैग किया है। क्या कर रहे थे? छोड़ो, ये प्रसाद ले लो। सिर्फ वो फिर से हमारी जान बचाने के लिए थैंक यू। हम जानते हैं कि तुम यही बोलोगे कि हमारी जगह कोई और भी होता तो तुम ऐसे ही उसकी जान बचाते। फिर भी थैंक यू। आशी, तुम्हारा हाथ जल गया है, दवा लगा लो। नहीं ठीक है, ज्यादा नहीं जला है, हम बाद में लगा लेंगे। ऐसे कैसे ज्यादा नहीं जला है, हाथ जला है तुम्हारा, जलन हो रही होगी वहां पे। प्लीज दवा लगा लो। सिर्फ सच में हम ठीक है, हम बाद में लगा लेंगे। जितनी जल्दी दवा लगाओ जख्म उतनी जल्दी भर जाते। मैं लगा देता हूँ। Thank you.
ओह माय गॉड, ये देखो कितने सारे लाइक्स। बताइए, अरे तुम्हारी जोड़ी तो गॉड जी ने फिक्स करवा दी है। इंटरनेट क्या चीज है, लाइकिंग तो आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? जरूर पंडित जी, अब आप भी जल्दी जल्दी बता दीजिए हमारे नकुल और विद्या के सगाई के लिए कब का मुहूर्त शुभ है। अमित जी, हम आशी के लिए भी बहुत बहुत सुनिंग सुनिंग एक बढ़िया सा लड़का ढूंढ देंगे और फिर आएंगे आपके घर। आज से 4 दिन बाद का मुहूर्त सगाई के लिए बहुत ही शुभ है। 4 दिन? लेकिन पंडित जी, इतने जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? आप प्लीज थोड़े दिन बाद का कुछ मुहूर्त हो तो वो देखिए ना। उसके बाद अगले 1 साल तक कोई भी मुहूर्त शुभ नहीं है। अरे तो गुड है ना जी, बहुत गुड है। 4 दिन बाद सगाई करवा देते, क्यों अमृता सिस क्या बोलती है आप? रोहिणी सिस, सोचने का टाइम नहीं है, राइटिंग बोल रहे हैं हम। आपके लिए अगर ठीक है तो हमारे लिए भी ठीक है। बधाई हो रोहिणी। तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई है अमृता। कंग्रेचुलेशंस भाई, आज गीत बहुत खुश है। उसके भाई की सगाई जो तय हो गई, सच में आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। और अब जब मैं इतनी खुश हूँ और आप सब लोग इतने खुश हो, तो क्यों ना आप लोगों की खुशी डबल की जाए। डबल? एक मिनट, फिर मेरे साथ आओ। सिर्फ हम भी सगाई कर लेते हैं, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि जिस दिन नकुल और विद्या की मंगनी होगी, उसी दिन मैं सिद्ध से मंगनी करूंगी। लेकिन बेटा, इतनी जल्दी हम इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगे? हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओह कम ऑन माँ, अब जिस तरीके से नकुल और विद्या की मंगनी की तैयारियां करोगे, उसी तरीके से हमारी मंगनी की भी तैयारियां हो जाएंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी आगे से मंगनी के लिए बोल रही है और आप वो की तैयारियों के लिए परेशान हो रही हो। ऐसी बात नहीं है बेटा, हमारी खुशी तुम्हारी खुशी में ही है। लेकिन तुम्हें याद होगा, तुमने ही कहा था कि मैं सगाई तभी करूंगी जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। और अभी अचानक से अगर तुम्हारी सगाई हो गई तो इसका असर तुम्हारी पढ़ाई भी पड़ेगा। हाँ डैड, मैंने ये कहा था, लेकिन अब मैंने फैसला बदल दिया है। अब मैं आगे की पढ़ाई शादी के बाद कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और ये सब बकवास है कि मंगनी के बाद पढ़ाई नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गीत हूँ डैड, मैं सब कुछ एक साथ अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। और हाल फिलहाल तो मुझे शादी करनी है, दुल्हन बनने का फुल फील लेना है। जैसे विद्या ले रही है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सिर्फ हमारी शादी मॉम डैड ने तय की थी और उस वक्त मैं तुम्हें करीब से नहीं जानती थी, तो सोचा कि थोड़ा वक्त लेती हूँ शादी में ताकि तुम्हें जान पाऊँ, पहचान पाऊँ और धीरे धीरे तुमसे प्यार हो पाए। लेकिन देखो ना, इतनी जल्दी प्यार हो गया कि जानने और पहचानने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। और क्यों नहीं होता प्यार, तुम हो ही इतने चार्मिंग, समझदार, हैंडसम। तो इसीलिए अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ और अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। अरे आप पैनिकिंग क्यों हो रही है? हम है ना, अरे हम तो खुद गीत को अपने हाउसिंग की ब्राइडल बनाना चाहते हैं, सुनिंग सुनिंग एकदम। और रही बात तैयारी की, तो उसकी तो वरिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम बैठे हैं ना वरिंग करने के लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कामिनी जी, विद्या की और गीत की सगाई एक ही दिन होगी, ये बात तो तय है। पूरी धूमधाम से करेंगे हम ये सगाई, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। अब तुम इतना बोल रही हो तो
से ठीक है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब, कल हमारे नकुल बेटे का 25वां जन्मदिन है और हम सभी लोगों ने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है। हम सभी चाहते हैं कि आप और आपका परिवार वहाँ पे आए और पार्टी का आनंद उठाएं। अच्छा कामिनी जी, ये न्योता आपके लिए भी है, जरूर आइएगा। और रही बात सिद के पापा की, वो हम उनसे फोन पे बात कर लेंगे। अरे why don't, हम तो जरूर कमिंग करेंगे भाई। तो तय रहा, आप सभी लोग आ रहे हैं। तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए सॉरी। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि जिस दिन नकुल और विद्या की मंगनी होगी उसी दिन मैं सिद से मंगनी करूंगी। क्या कर, पागल है क्या? तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ मैंने सुना है कि तू गीत से सगाई कर रहा है और वो भी इतनी जल्दी। जो भी सुना है सच सुना है। ये है वीकी एंगेजमेंट का दुपट्टा। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जिस कलर का आपका आउटफिट है ना उससे मिलते जुलते कलर का ही आपका आईलाइनर होना चाहिए, वरना आपका मेकअप लुक अच्छा नहीं दिखेगा। आपकी वीक को उसके उनका फोन आ रहा है तो दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। जाते जाते मैं आपको एक और टिप दे देती हूँ, आपका ब्लश ना एकदम हाई ब्लश होना चाहिए, क्योंकि शर्म से गाल लाल हो ना हो लेकिन ब्लश से आपके गाल गुलाबी जरूर दिखने चाहिए। चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। हेलो, हाय नकुल। आशी सारे काम हंसते हुए करती है, इसको कभी किसी भी चीज से प्रॉब्लम नहीं होती है। एक बात बता भाई, तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं काहे जानबूझ के अपने आप को कुएं में धकेल रहा है? जब तू अच्छे से जानता है कि तू गेट से प्यार नहीं करता है तो फिर सगाई करने से मना क्यों नहीं किया? और तेरे पापा से तेरी इतनी बनती है, तुम दोनों एक दूसरे दोस्त की तरह रहते हो, तो जा अपने पापा के पास, बता उन्हें कि पापा मैं गीत से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं आशी से प्यार करता हूँ। कितनी बार बोला है तुझे, नहीं चाहता मैं आशी को, नहीं उससे कोई प्यार व्यार करता हूँ। और गीत से सगाई मैंने अपनी मर्जी से की है, इतनी सी बात तेरे दिमाग में घुसने रही है क्या? अगर तूने फिर से बोला ना कि मैं आशी से प्यार करता हूँ तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बैठ तू इधर। बैठ रही है? एक मिनट बैठेगी। निधि क्या कर रही है? दुपट्टा क्यों छीन लिया मैं हाथ से? चुप बैठ, आगे देख। निधि तू पागल हो गई क्या? ये विद्या दी की मंगनी का, निधि मत कर। तू 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 बैठ ना इधर, मेरी बात नहीं मानेगी तू, बैठ चुपचाप। बचपन का दोस्त हूँ तेरा और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुझे कब और क्या अच्छा लगता है। और इस समय तुझे आशी अच्छी लगती है, प्यार करता है तू उससे, और अगर इस बात से मुंह मोड़ा ना सिद्ध तो जिंदगी भर का मलाल रह जाएगा तुझे। आशी एक बात सच सच बता, क्या तेरा कभी मन नहीं करता कि तेरा कोई अपना हो जिससे तू बातें कर सके, खुशियां बांटे गम बांटे, उसकी स्टूपिड से जोक्स पर खिलखिलाकर हंसे, जब भी तू बीमार पड़े ना
तेरे लिए कोई कड़वा सा काढ़ा लाए और मीठी मीठी यादें सजाए, कोई ऐसा जो तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़े, तेरा कोई अपना जो तेरी परछाई बन के हमेशा तेरे साथ चले। सच बता आशी, तेरा कभी शादी करने का मन नहीं करता? सच बता आशी, तेरा कभी शादी करने का मन नहीं करता? नहीं निधि, इधर आ। निधि, हमारे लिए तुम, बाबा, काकी, विद्या दी, तुम सब लोग काफी हो। हम अगर कहीं रहना चाहते हैं तो तुम चारों के साथ रहना चाहते हैं। हम अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो बाबा और काकी के लिए करना चाहते हैं। हमारे लिए इस परिवार की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है निधि। तुम लोग खुश हो ना, बस इसी में हमारी खुशी है। लेकिन प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है आशी। ये हमने पूरी लिस्ट बना ली है, उसका ध्यान रखना। बाबा, बाबा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोल बेटा, बोल। वो विद्दी के बारे में बात करनी है बाबा। अरे विद्दी, फिर वही। सॉरी 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 बाबा। बोल, क्या बात है? आओ आप बाबा। हाँ, अरे सुनो, तुम उसको फोन करके बोलो डेकोरेशन वाले को कि मैंने बुलाया अर्जेंट, जाओ। हाँ बोलना, क्या बात है बाबा? आपको नहीं लगता आशी बहुत अकेली है? कुणाल भाई को इस दुनिया से गए हुए बहुत साल हो गए, आपको नहीं लगता उसको अपने हिस्से की खुशियां मिलनी चाहिए? क्या उसका कोई हक नहीं कि अपना बीता हुआ कल पीछे छोड़कर वो आगे बढ़े, अपनी जिंदगी में खुश रहे? जो खुशी हम विद्या दी के चेहरे पर देख रहे हैं ना, हम चाहते हैं आशी के चेहरे पर भी वही सब खुशियाँ दिखे। वो अपनी जिंदगी में खुश रहे, शादी करे, जिंदगी में आगे बढ़े। सचमुच इतनी बड़ी हो गई क्या? बेटी किसकी हो, समझदार तो हो ना बाबा। ओहो हाँ, मुझ पे गई है। बात तो सही कह रही बेटा तू। ये ख्याल तो मेरे दिल में भी कई बार आया, पर क्या करूं यही समझ नहीं पाया। पर अब कुछ तो करना होगा, मुझे अमिता से बात करनी ही होगी। मालकिन, हम क्या कह रहे थे ना कि विद्या बेबी की शादी में ना हमको भी डिजाइनर साड़ी दिलाई दे दो। हाँ हाँ, दिला देंगे। वैसे हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी विद्या को इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा घर परिवार मिलेगा। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी निधि को भी ना इतना ही अच्छा घर परिवार मिले, तो हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। और आशी, वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी बेटी है। बेटी नहीं है वो, हमारी हमारी बहू है, हमारे कुणाल की पत्नी है वो। और क्या कुछ नहीं किया हमने उसके लिए, अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई, और बदले में उसने क्या किया हमारे लिए? हमसे हमारा बेटा छीना है, हमसे हमारी सारी खुशियां छीनी है उसने। उसने हमसे हमारा बेटा नहीं छीना है, अरे बल्कि उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। कभी उसने हमारी कोई बात नहीं डाली है, हमेशा हमारा मान रखा है। अच्छा एक बात बताओ, जब निधि और विद्या चली जाएंगी तो आशी तो बिल्कुल अकेली रह जाएगी ना? क्यों अकेली रहेगी वो, हम हैं ना उसके लिए। और हमारे बाद क्या होगा उसका? हमारे बाद देखो, अभी उसकी सही उम्र है, हम एक अच्छा सा लड़का देख करके उसकी शादी कर देते हैं। बट अब उम्र निकल जाएगी तो अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। कोई जरूरत नहीं है आशी के लिए लड़का ढूंढने की। आशी हमारे बेटे कुणाल की पत्नी है, मत बोलिए आप। हमारा बेटा जरूर वापस आएगा, उसकी माँ उसका इंतजार कर रही। और रही बात आशी की, इस जन्म में उसके हाथों में सिर्फ कुणाल के नाम की रेखा है। जल्दी से तैयार हो जाइए, देर हो रही है हमें।
Babe, let's dance. गीत मुझे डांस नहीं आता, तुम करो ना। तुम्हारी गीत है ना, मैं सब सिखा दूंगी। चलो। एक सेकंड। गीत कॉल आ रहा है, इम्पोर्टेंट है, तुम करो ना डांस प्लीज। एक मिनट रुकना, मैं आया। क्या कमाल लग रही है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छी लग रही हो। थैंक यू। ये इस आशी को इतना क्यों घूर रहा है? अरे आप आइए ना। हमारी बहू कितनी सुंदर है। अरे ब्यूटी चुल तो होगी ना भाई, रिश्ता किसने करवाया? कामिनी ने करवाया। हाँ। और कामिनी ने आज तक ऐसा कोई रिश्ता नहीं करवाया जो फेल आउट हो गया। विद्या। मॉम। हाँ। मेरे फ्रेंड से मिलो। आप एक्सक्यूज मी। हाय, आई एम वी। सिड, अब मैंने डिसाइड किया है कि हम हनीमून के लिए अब्रॉड जाएंगे। अच्छा, ये हनीमून की बातें तो बाद में भी हो जाएंगी, चलो अभी डांस करते हैं। चलो ना। गीत गीत प्लीज, मैं डांस नहीं कर सकता, तुम करो ना। नेफ्यू को छोड़ो ना यार, उसकी बुआ खड़ी है, चलो कमिंग कमिंग डांस डूइंग करते हैं। दीदी, हर कोई अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहा है, हम भी चलते हैं, चल चल। निधि चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहे। हाँ, डांस करना है। कोई बात नहीं, तू नहीं चल रही है तो हम यही बैठेंगे और डांस। निधि पागल हो गई है क्या, कितनी नखरे दिखा रही है। तो चल ना। मुझे कैसे भी करके आशी के साथ डांस करना है। ब्रो, कोई दूसरा म्यूजिक लगाना। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पार्टी को और शानदार बनने के लिए अब इस सॉन्ग पे सब अपने अपने पार्टनर्स एक्सचेंज करेंगे। रुक रुक के कहते हैं, झुक झुक के रहते हैं, दिल का मिजाज इश्किया, दिल का मिजाज इश्किया। जब मैंने अपने साथ डांस करने बुलाया तो कहता है कि मुझे डांस नहीं आता, और अब देखो कैसे आशी के साथ ठुमके लगा रहा है।
मस्ती में रहता है मस्ताना सौदाई दिल का मिजाज इश्किया और दिल का मिजाज इश्किया आशी से कितना भी दूर रहने की कोशिश करूं लेकिन दूर रह ही नहीं पाता हूं। ब्रो, आदि का तो वेटिंग आउट हो रहा था। आइए, ये है हमारे भैया अभिमन्यु शर्मा। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। अरे नहीं बेटा, क्या अरे क्या कर रही हो? हम बेटियां बाप के पांव नहीं छूती हैं और तुम तो बिल्कुल हमारी बेटी जैसी हैं। सिड दिखाई नहीं दे रहा। सिड जी बाबा, यहाँ हूँ मैं। आओ 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 आओ। गीत बेटा, तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। हमें पता चला है कि तुम दोनों बहुत जल्दी सगाई करना चाहते हो। एक्चुअली गीत ने सबके सामने कह दिया ना, तो हम भी चौंक गए थे, लेकिन है तो ये खुशी की बात है ना? बहुत खुशी की बात है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। नकुल के ससुराल वालों से मिलिए, ये है अमित जी, नकुल के ससुर। आशी यहाँ क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी, मैं एक मिनट में आया। सर यहाँ क्या करूँ मैं? दीदी, तेरा बॉस क्या कर रहा है यहाँ पे? तुम्हें बताना ही भूल गए थे। क्या? सिद इन्हीं का बेटा है। क्या करें? चुप जा तेरे को। अरे तुमने बिना। अरे पति सुन तू। दीदी, अगर इन्होंने यहाँ पे बता दिया हमारी जॉब के बारे में, अगर काकी माँ को पता चल गया, काकी माँ तो यही तमाशा कर देंगे। ये आशी हमें देख के चुप क्यों रही है इतना? तो पता भी नहीं है, इस जॉब के लिए हमारे बाबा को हमारी काकी से झूठ बोलना पड़ा। तुम हमारी काकी को नहीं जानते हो, अगर उनको ये सब कुछ पता चला ना तो मैं कुछ करती हूँ। आशी बेटा, आशी हम कह रहे थे कि आप जानते हैं आशी को? हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या आप आशी को जानते हैं? एक्चुअली वो आशी, एक मिनट, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज एक सेकंड आइए ना। एक्सक्यूज मी, कैसे जानते हैं तुम्हें? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, कैसे जानते हैं तुम्हें? क्या कह रहे थे ये तुमसे? काकी वो पूछ रहे थे कि वॉशरूम कहाँ पर है। हाँ, वॉशरूम नहीं मिल रहा था तो ये पूछ रहे थे। और माँ, मैं आपको बताना ही भूल गई, वो रोहिणी आंटी आपको बुला रही थी, वहां से ही आवाज आ रही थी, अभी जस्ट बुला रही थी। राम जी। पापा, मैं शोरूम जाता हूँ, वहाँ पे कुछ काम हुआ तो मैं संभाल लूंगा। नहीं सिर, तुम यहीं रुको, हमें जरूरी काम से बाहर जाना है और वो काम खत्म करने के बाद हम शोरूम पे चले जाएंगे। और वैसे भी ये पार्टी छोड़कर हम दोनों साथ जाएंगे, सबको अच्छा नहीं लगेगा। एंजॉय। ओके। मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जितना तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ, वक्त तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। और जब तुम मुझसे दूर होती हो, फिर भी मुझे सपनों में दिखती हो। नकुल, तेरी ये होने वाली बीवी तो उधर है,
फिर तेरी निगाहें किस पर है? यार मेरे होने वाली बीवी भले ही उधर है, पर मेरी निगाहें तो किसी खास पर है। वो देखो, हुस्न की मलिका। ये भैंजी टाइप, ये कहाँ से हुस्न की मलिका लगती है तुझे? अबे ये भैंजी टाइप लड़कियों की बात ही कुछ और होती है। बाहर से तो भैंजी होती है लेकिन अंदर से बेब होती है ब्रो। वेट अप, मैम। ये क्या है और हमारे पास क्यों लेके आए हो? हमें नहीं चाहिए, जाओ ले जाओ। खत पढ़े जा रहे हैं हम भी तो, देखे क्या लिखा है इस खत पे। हमें छत पर मिलो जाने मन, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आना, हमसे रहा नहीं जा रहा। कतई सहर तो तुम यहां विद्या के ससुराल में भी गुलझर्रे उड़ाने लगी, यहां भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तुम, यहां भी अपनी औकात परोस रही हो। पहले ही तुम्हारी हरकतों की वजह से लोग हमारे नाम पर थू थू कर रहे हैं, जहां जहां जाते हैं तुम्हारी उस कॉलेज वाले कांड की वजह से हमारा सर शर्म से झुक जाता है, लेकिन तुम अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। किसने दिया तुम्हें ये प्रेम पत्र? कुछ पूछ रहे हम तुमसे, बताओ हमें। हम सच बोल रहे हैं, हमें नहीं पता ये खिली हुई हरकत किसने की है, हमारा विश्वास कीजिए काकी। अच्छा तुम नहीं बताओगी तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? किसने भेजा ये, हम पूछ रहे हैं कुछ, किसने भेजा ये? देखो तो कितनी भोली बन गई, आंखें नीची झुकाकर खड़ी है, जैसे कि महारानी बहुत भोली है। हमसे कोई पूछे कि ये महारानी कितनी भोली है? सुन, तू हमारे बेटे की अमानत है, अगर कोई तुम्हें प्रेम पत्र भेजेगा हमसे ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, समझी? तुम्हें ये प्रेम पत्र किसने भेजा है इसका पता तो हम लगा कर रहेंगे। कहाँ रह गई मेरी बे प्लस बहन जी, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा। ये कहां से आ गई? अगर इसको इस बात का पता लग गया तो आशी तो हाथ से जाएगी, विद्या भी हाथ से जाएगी, और मैं रह जाऊंगा ठंडन गोपाल। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हे सिड, यहां हो तुम? मुझे पता नहीं था कि सिड ने यहां पर कुछ अरेंज किया हुआ है। कतई सैर, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतनी ऊंची हरकत कर सकते हो। हमें लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, कॉलेज में तुम्हारे और आशी के बीच में जो कुछ भी हुआ हमें लगा था कि वो बस एक गलत फहमी थी, हम वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने को तैयार थे, लेकिन तुम
तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे। हमेशा हमेशा कोई ना कोई कांड करके किसी भी रूप में हमारे सामने आ जाते हो। तुम ये भूल रहे हो, कुछ ही दिनों में तुम्हारी और गीत की शादी है। अरे हमारी इज्जत के बारे में नहीं तो कम से कम अपनी इज्जत के बारे में तो सोचो। क्या बीते की उस लड़की पर जब उसे तुम्हारे कारनामों के बारे में पता चलेगा, क्या सोचेगी वो, क्या बीतेगी उसके दिल पर? तुम एक निहायती बेशरम और एक फालतू किस्म के इंसान हो। ये सब क्या कह रही हैं? मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमें गलत फहमी हुई, ये है तुम्हारी गलत फहमी। पढ़ो इसे, तुम्ही ने लिखा है ना ये प्रेम पत्र, आशी के बाप ने हमारे भरोसे उसे यहाँ भेजा है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई क्या जवाब देंगे हम उसके बाप को? अगर आशी के साथ कुछ गलत हो गया हमारे परिवार की नाक कट जाएगी। कुछ परवाह है हमारी? कुछ सोचा है उस बारे में क्यों हमारी नाक कटाना चाहते हो? यहाँ छत पर कुल छड़े उड़ाना चाहते हो तुम? क्यों हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो? सच सच बताना, ये चिट्ठी तुमने लिखी है? हाँ आंटी, ये चिट्ठी सिड ने ही भेजी थी।